दारू के अड्डे के बारे में, जुआ खेलने वाले क्लब के बारे में तो पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देगा। उसके साथ ये नरसिम्हा है, ये बात तुझे ध्यान में नहीं रहा। तू दारू बनाएगा और दारू बनाकर यहाँ पर तू बेचेगा। तुझे क्या लगता है कि शहर में तुझे रोकने वाला कोई नहीं है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ जाएगा, यह गलती से भी नहीं सोचना। चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर वो आदमी गुरु के धंधे के बारे में कुछ भी बोलेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। क्यों भाई, चढ़े कि नहीं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्यों बिट्टू, कैसा है? हाँ ठीक है, करो करो। हाँ हाँ ठीक है भाई। अरे कर भाई कर। हाँ भाई, हाँ भैया, सब ठीक हो ना? ए साईं, तू इधर आ। यहाँ पे रख। भाई के लिए एक बढ़िया सा माल लेके आ। जा जा जा, अभी लाया, अभी पानी लेके आ। अरे तू क्या देख रहा है, लेके आना, लेके आ। हेलो भाई। भाई बगल वाले गांव में दो ट्रक माल भेजूंगा, ऐसा मैंने वादा कर दिया। आप तो हैं ही ना। रख दो, रख दो, ये रख दो। सही है। ये कितना नहीं चाहिए माल? कितना है? 5,000। भाई उसमें 1,000 कम है। दारू पिलाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा तो जान से मार दूंगा मैं तुझे। hey! कौन है बे? क्यों बे? पूरा बकरा अकेले खा जाता है खाली पेट, और मुझसे ऊंची जुबान में बात करता है बे। अबे मैं दिखता छोटा हूँ लेकिन गुस्सा बहुत है मेरे अंदर, बिल्कुल हरी मिर्च की तरह। दिखता कम है, लगता ज्यादा है। अबे नरसिम्हा किधर है बे? हे नरसिम्हा, हे अबे अच्छे अच्छे हैं।
अबे लॉरी पोछने वाला कपड़ा तू मेरे चेहरे पे झाड़ता है। अब देख ये मेरा हाथ है, इसमें दो मर्डर लिखे हुए हैं, एक तेरा दूसरा तेरे गुरु नरसिम्हा का। मजाक नहीं, मैंने कहा बकरों को मार्केट में लेकर जाओ, ट्रिप के लिए 6 बकरे मांग रहा है वो। बचा हुआ बकरा कहाँ है पूछा तो एक बकरे को कौवा ले गया, दूसरे बकरे को चोर उठा ले गया और तीसरे को बिरयानी बनाने के लिए कोई फिल्म स्टार लेकर के गया। मेरे को बेवकूफ बनाता है क्या, मैं चेहरे से बेवकूफ दिखता हूँ? आज से तेरा धंधा बंद, तू जा तलवार में धार लगा मेरी। हट हट हट। क्या बे? कुत्ता था मालिक, सूसू कर रहा था, काट के मिर्ची लगा दूंगा। जा तलवार में धार लगा, सबके सब मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं अब सहन नहीं होता मुझसे। आ भाई क्या है बे? आप ये करने पीछे भी जा सकते हो। मेरे से मजाक करता है बे? ए तू जा, जाके तलवार में धार लगा। भाग। उस नरसिम्हा के टुकड़े टुकड़े करके उसे जमा कर बेच दूंगा, समझे कि नहीं? नरसिम्हा भाई, नरसिम्हा आ गया, सब कुछ सुन लिया क्या तुमने नरसिम्हा? हाँ। ये ले, अब काट दे। मैं तो मजाक कर रहा था, कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए तो ऐसे ही चिल्लाने का नरसिम्हा। तुम्हें तो मैं बहुत चाहता हूँ, तुम्हारा मेरा संबंध तो दाल और चक्रे की तरह है नरसिम्हा। पूरे के पूरे 100 बकरे चढ़ा दिए हैं मैंने, अगर 6 बकरे देने से मेरा कुछ नहीं बचता तो तुम 3 बकरे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुना क्या नरसिम्हा? अरे मैं उसको बोल रहा हूँ, अबे जल्दी कर बे, बात नहीं सुनता? नहीं नहीं उसको बोल रहा था। लेफ्ट लेफ्ट, ए पीछे हट जा, टायर के नीचे आएगा क्या, मर जाएगा, चल भाग, नहीं करता, चल भाग। लेफ्ट लेफ्ट। ए नरसिम्हा आया है, जल्दी आओ जल्दी। एक काम कर, गाड़ी ले जाकर खाली कर देना और सुबह ढाबे पर आ जाना। ठीक है गुरु भाई। अरे नरसिम्हा सब ले लेन गाड़ी ही है। अच्छा सुनो ना, तेरा नाम क्या है? मनीषा कोइराला। हाँ? 2 दिन पहले सर्कल के पास मिली थी तब तो अपना नाम माधुरी दीक्षित बोली थी, अब जगह बदल गई है ना। अरे वाह, पुरानी गाड़ी का टायर बदल कर उसमें नया टायर लगा के मार्केट में जैसे बेच देते हैं। अरे गुरु उतर जाओ। ए तो बिरयानी और एक चाय ले गया। ये जल्दी से खाना खा रहे, अपने को टाइम पे निकलने का है। ए, भूख लगी है, इडली देना मुझे, 2 दिन हो गए खाना खाए मुझे। खाना खाकर 2 दिन हो गए, ये तो पागल है यार। देना तेरे पास 3 है ना, मुझे 1 दे दे, देना 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 1 दे दे। अच्छा इडली चाहिए, तुझे जो भी चाहिए मैं दूंगा, पहले मेरे पास चिपक के बैठ, हाँ तभी खिलाऊंगा, खाएगी ना? बहुत भूख लगी। इडली से पेट भरेगा क्या? अरे रुक रुक, वो टेप का गाना सुन रही है, अगर वैसा डांस करेगी ना तो तुझे मैं पराठे खिलाऊंगा। पराठा? मुझे पराठा पसंद है, मुझे पराठा दोगे? हाँ तू पहले नाच तो सही। पराठा दोगे तो मैं नाचूंगी, पराठा दोगे तो मैं नाचूंगी, पराठा दोगे तो मैं नाचूंगी, पराठा दोगे मैं नाचूंगी, ऐसे नाचूंगी, ऐसे नाचूंगी, पराठा दोगे। बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, पेट भर के खिलाऊंगा, आग लगाने वाला डांस दिखा दे, डबल प्लेट खिलाऊंगा। बहुत भूख लगी है, पहले बिरयानी खिला उसके बाद नाचूंगी। पहले डांस दिखा फिर बिरयानी खिलाऊंगा। कपड़े उतार के नाच, कपड़े उतार के नाच। बिरयानी देगा तो मैं नाचूंगी, बिरयानी देगा तो मैं नाचूंगी, बिरयानी देगा तो मैं। दिमाग खराब है, पगलिक सब मजाक करता है। चलो बिरयानी। ए क्षणपति नहीं, अकेले में ले जाके इसके साथ मजाक करना चाहता है तू? ए जैक से मारूंगा ना तो ब्लड आ जाएगा। ब्लड आ गया देख ले, चलो बिरयानी। Okay.
अब तू डांस कर। भूख लगी है। hey, बिरयानी लेकर आओ। बिरयानी, बिरयानी। हाँ हाँ, आराम से खाओ। खाओ ना। hey girl, क्या हुआ? चलो सब तैयार है ना? hey, तुम आराम से खाओ। ये कौन है? पगली है, अपने ही ड्राइवर लोग इसे सता रहे थे। फिर उनको सबक सिखाया ना? हाँ हाँ, चल अब किराए का पैसा निकाल। hey, तुम आराम से खाओ। अरे hey, ये लो। सुनो, धीरे धीरे खाओ। हे, बिल कितना हुआ? क्या कर रही है? ये क्या है? कुछ नहीं, अमरूद है। मुझे भी दो ना, मुझे भी चाहिए। ये तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन बदले में तू क्या देगी? क्या दूँ? थप्पड़ दूंगी। हे कैसी, जल्दी आ जा। वो पागल ने मेरे को मारा, मेरा पूरा दिमाग घूम रहा है भाई। अरे तीन औरतें एक जगह पर रहेंगी तो कोई बात छुपती है क्या? और तुम्हें मेरे पोते के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? उस गुरु की दारू की दुकान में लोग बैठकर जुआ भी खेलते हैं। और किसी ने पुलिस में जाकर बताया कि उसे किसी ने बहुत मारा है। गांव की सभी औरतें तेरे पोते को कोस रही हैं। उसको समझा दे वरना सबकी हाय लगेगी। किसी को अच्छे इंसान की परख ही नहीं होती है। तुम लोग मेरे पोते को नहीं जानती हो, बेमतलब का उसे बदनाम किए जा रही हो तुम लोग। तुम लोगों को तो अपने पति को वश में रखना आता ही नहीं है। सुबह होते ही इतना सारा पाउडर चेहरे पर लगाकर, सिर पर ऐसे गजरा बांधकर, किसी फिल्म की हीरोइन जैसे सफेद साड़ी पहनकर, अपने पति का इंतजार करते हुए घर में बैठना छोड़कर, पी कर आए हुए पति को चार झाड़ू मारोगी तो क्या रास्ते पर नहीं आएगा वो? उस बात से तो तुम लोगों को कोई परेशानी है ही नहीं, और यहाँ पर आकर मेरे पोते की बुराइयां कर रही हो। वो देखो आ गया वो, अरे वो आ गया। अब जो भी कहना चलो, है उसी से कहो। चलो, चलो, अरे रुको, अरे कहाँ जा रही हो? डरपोक कहीं की। अरे चल जल्दी, सुबह सुबह आ जाती है बस परेशान करने के लिए। ये ले बुढ़िया, ऐसा मस्त चिकन पुलाव बनाओ कि जैसे ही मुंह में रखूं चिकन गल जाए। मसाला ज्यादा डालना। हाँ, अच्छी तरह मसाला लगाकर तुझे खिलाती हूँ, और फिर उसे अच्छी तरह से खाकर गांव में जाकर अपना दम दिखाना। उस गुरु की दुकान चलाने में तू क्यों उसका साथ दे रहा है? सारे गांव की औरतें यहाँ आकर तुझे श्राप दे रही थी। किसकी हिम्मत है मुझे श्राप देने की? तू जा और चुपचाप जाकर खाना बना। तू ट्रक साफ कर। भगवान, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हिल रहा है? अरे बाप रे, ए पागल, ए रुक, ए डराते मेरे को, तुझे छोडूंगा नहीं। टांग गई, टांग गई, रुक रुक, ए तेरे को छोडूंगा नहीं, किधर गई ये, रुक। अरे ये कौन है? पागल है, ढाबे के पास कुछ गुंडे इसे परेशान कर रहे थे, तो भाई ने इसको बचाया था और इसे खाना खिलाया, और ये कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाते हुए वफादार बन के यहाँ तक आ गई। अरे ये कहते हुए गोल गोल क्यों घूम रहा है? कहाँ गई? इधर तेरी तो। अरे 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 अरे, ये कहाँ से आ गई? रुक रुक, अरे रुक रुक उसे। अरे बेटा उसे छोड़ दे, उसे कुछ नहीं पता, वो पगली है। तेरी तो मारे ने। रुक रुक,
तेरी तो। अरे तू भाग जा, भाग जा। अरे रुक रुक, कहाँ भाग रही है? रुक, ए, ए, रुक जा, नहीं तो पत्थर से मारूंगा। तेरी तो देखो ना, उसने। अरे टूट गया तो टूट गया, तू रो क्यों रही है? कहाँ है वो? ढूंढ उसे। अरे अरे वो गुस्सा वाला आ रहा है, अगर आ गया तो तुझे बहुत मारेगा। कहाँ चली गई वो? जा यहाँ से, जा बेटा। कहाँ छुप गई है? अरे जा जा, अरे जाने दे ना उसे। अरे वो पगली है, उसे कुछ नहीं पता, जाने दे। ए बुढ़िया तू अंदर जा। लड़की तो कितनी सुंदर है, भगवान ने ऐसा क्यों किया उसके साथ पता नहीं। ए चलो 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 चलो, जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों? अरे गांव में कोई बच्चा चुराने वाला चोर आया है। हाँ? सूर्य नारायण के पोते को चुरा के ले जा रहा था, लोग उसे पेड़ में बांध के मार रहे हैं। ओ अच्छा, अरे कहीं सुबह जो आई थी वो पगली तो नहीं? बोल बोल बोल, सच सच बोल, तू बच्चे को उठाकर ले जाने वाली थी ना? बोल, हमारे गांव से बच्चा चुराने की हिम्मत तूने कैसे की? बहुत बड़ी चोरनी है तू, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं हम। मैंने बच्चे को गोद में उठाया था, चोरी नहीं कर रही थी। क्या कहा? बताती हूँ, हाँ मैं बच्चे को ले जाने वाली चोर हूँ। बच्चे को ले जाने वाली चोर तू ये बोल रही है? तू तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये क्या, चोर बोल रहे तभी मारते हो, नहीं हूँ बोलती हूँ तो भी मारते हो? नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेंगे? दादी, मैंने कुछ नहीं किया। एक बेसहारा को ऐसे बांधकर मारते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे हीरा माँ, तुम इसके बारे में नहीं जानती हो। तू तो बड़ा जानता है इसे, औरत पर ऐसे जुर्म कर रहा है, शर्म नहीं आती? ये बच्चे को चुराने वाली कोई चोर नहीं है, ये तो पगली है। सुबह ही मेरा पोता इसे अपनी लॉरी में लेकर आया था। दर्द हो रहा है, कीड़े पड़े इसे। अरे बच्ची को कोई ऐसे मारता है क्या? भगवान करे तेरे हाथ पैर टूट जाए। यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे हम दादी, कहीं चले जाएंगे। मुझे दादी कहकर तू तो मेरी पोती बन गई है रे। चल चलते हैं, अभी तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। चल बेटा, चल मेरे साथ, चल चल, कोई नहीं मारेगा तुझे। लारे, ये देख देख कैसे मारा मुझे। जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता, देख उसकी ये हालत करते हैं लोग। मेरी एक बात सुन ले तू, इस लड़की को मैं अपने घर ले जा रही हूँ। लॉरी लॉरी, उस पर है ना दादी ने बहुत चिल्लाया, तुम भी उसको डांटा, उसने मुझे बहुत मारा, ये देखो कितनी चोट लगी। ऐसा नहीं है नरसिम्हा, मैंने कहा था वो चोर नहीं पागल है, लेकिन इसने आकर के मुझसे कहा कि मैंने उसे देखा है चोरी करते हुए, सारी गलती इसकी है नरसिम्हा। भाई मेरी गलती नहीं है, गांव वालों ने मुझसे बोला कि वो चोर है, पर वो लड़की तो अच्छी है भाई। उस लड़की पर पहला हाथ किसने उठाया? अबे इसने ही पहले हाथ उठाया था नरसिम्हा। शाबाश, चल हाथ मिला। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? अरे रुक जा, कहाँ भाग रही है? देख शरीर से कितनी बदबू आ रही है, आजा बेटा, आजा, आ मेरे पास आजा, नहा ले। क्यों दादी, ये पागल तुम्हें सता रही है क्या? देखना, उसे नहाने के लिए कहा तो परेशान कर रही है मुझे। इस पागल को कैसे सबक सिखाना है, ये सब कुछ आता है मुझे। अरे मेरा जन्म भी तो पागल खाने में हुआ है, मेरा बाप भी पागल था, मेरा पूरा गांव पागल था। तुम एक काम करो, पानी निकालो, इसका तो मैं देखता हूँ। उसे सुधारने के चक्कर में खुद मत बिगड़ जाना। तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानती, हाँ तुम देखना। आ गई, चुपचाप जाकर के नहा ले, वरना मैं तुझे ऐसा मारूंगा ना, तुझे पता नहीं है। आ, 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 अरे क्या हुआ? क्या बताऊं मैं आपको,
मुझे लगता है ये गाल सिर्फ इसके मारने के लिए ही बना है, बार बार मुझे ही मारती है। क्या हुआ? देख ना बेटा, नहाने के लिए कह रही हूँ तो मुझे परेशान कर रही है, ये नहाती ही नहीं। हे, चुप 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 हो जा, चल जा। हे, चुप, चल जा, जा, जा नहा। लॉरी, तुम हाँ, नहाओगे ना तो मैं भी नहाऊंगी। मेरे बदले कैसी नहाएगा? ए, मैंने तो कब का नहा लिया, दोबारा नहाऊंगा क्या? लॉरी नहाएगा तो मैं नहाऊंगी। तेरी तो। अरे 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 बेटा, वैसे भी तुझे नहाना है ही ना, तो इसके सामने दो लोटा पानी डाल लेना। क्या बोल रही है बुढ़िया? अरे, इसके शरीर से गंदी बदबू आ रही है, एक बार नहा लेना बेटा। इसे मासूम समझकर मैंने उंगली पकड़ाया तो ये मेरे कंधे पर बैठ रही है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। कैसी साबुन और तौलिया लेकर आ। ट्रैफिक एसआई की, ब्रेक इंस्पेक्टर की, टोल गेट वाले तक की तुम बात नहीं मानते हो, आज इस पागल की बात मान रहे हो तुम? है बुढ़िया, यहां मेरे कपड़े थे, कहां हैं? पगली कहीं की। अबे वो लड़की कौन है? टीचर है भाई, गांव में नहीं आई है। अच्छा, कश्मीर में रहने वाली किसी भेड़ की जैसी, कितनी सुंदर लग रही है बे। अपने गांव का पानी लगता है जम गया है इसे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ जा रही है? एक नारियल काट के देता हूँ, उसे पी लीजिए आप, ठंडी हो जाएंगी। मेरे स्कूल जाने की जरूरत है। मुझे आपके पास आना है जी, इसलिए अब पढ़ाई सीखने के लिए। कुत्ते ने सुसु करने के लिए टांग उठाया था। सुनिए, रात को घर पे आ जाओ क्या? अरे वही ट्यूशन के लिए, देखिए नोट कितना आता है लेकिन नोटबुक पढ़ना नहीं आता। देखिए आपके पास आऊंगा तो इसी बहाने थोड़ी पढ़ाई भी सीख लूंगा आपसे। अरे सुनिए, छोड़िए नौकरी, 1000 की पगार और छोटा सा कमरा, मेरे पास आ जाइए, 2 एकड़ खेत दूंगा, डबल रूम का कमरा, सोच कर बताइएगा मुझे। क्या चलती है लहरा कर, आदमी लहरा जाए। लुंगी कैसे गीली हो गई बे? कुत्ता है, उसी ने सुसु की है। अबे दुर, दुर। अबे वो सुसु कर रहा था तो तू क्या कर रहा था बे? मैं बोलता तो आपकी गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है? तुझे गीला कर देता हूँ। नहीं नहीं, पापा क्या कर रहे हैं? बीच सड़क पर साइकिल चला रहे, चल बाजू हट। लॉरी चला रही हो बेटा? दादी तुम पगली हो गई हो, ये लॉरी थोड़ी ना, ये तो खाट है। अगर लॉरी की तबीयत खराब हो गई तो वो कैसे चलाएगा, इसलिए मैं इसे सीख रही हूँ, वो बीमार पड़ेगा तो मैं चलाऊंगी। ठीक है ठीक है। अरे अरे रुको, आप ना गाड़ी की क्लीनर हो और मैं ना ड्राइवर हूँ। मुझे बहुत से काम है बेटा। दादी दादी बोलकर मेरी पोती बन जाती है ये। तो फिर ना क्लीनर बन जाओ, चलो चलो बैठो 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 बैठो। ये लो। और ये ऐसे क्यों मार रही है मुझे? ड्राइवर के सामने बीड़ी पिएगी, एक लगाऊंगी। तुम ही ने तो चलाने के लिए कहा था, तो अब मार क्यों रही हो मुझे? अरे इतनी स्पीड में क्यों चला रही है? ब्रेक मार, ब्रेक मार, ब्रेक मार। अरे फिर से क्यों मारा मुझे? ब्रेक मारने को क्यों कहा? तुम क्लीनर हो, मैं ड्राइवर हूँ, ब्रेक मैं मारूंगी, तुम सीटी बजाओ। ठीक है, इतनी सी बात है, ये ले। ए, इसके साथ तू भी पागल हो रही है, जंक्शन जाम हो जाएगा, ये ले कपड़े। लहंगा? और मेरे हाँ? लिए? तू क्या इसे शमशान में पहन कर जाएगी? इधर ला, ये लो तुम्हारे लिए है, अगर आज के बाद तू मेरे कपड़े पहनेगी ना, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तेरी तो। अच्छा सुन, उसके अंदर बिंदी पाउडर काजल सब है, देख लेना। ये गंदे से कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लो क्या? तुझे जो भी करना है अंदर जाकर कर, यहाँ नहीं। चल कपड़े बदल कर बाल बना देती हूँ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद कपड़े बदलूंगी और बाल भी खुद बनाऊंगी। ये लड़की भी ना। बेटा तुम सच में नरसिम्हा ही हो ना? घर में चावल खत्म हुआ, नमक खत्म हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं सोचते हो तुम।
और आज बिना कहे ही तुम उसके लिए कपड़े ले आए हो। लगता है धीरे धीरे इंसान बन रहा है मेरा बेटा। हे, तू अपनी जुबान बंद रख। ये पगली दिन में मेरे चार जोड़ी कपड़े पहनकर खराब कर रही है। अगर मैं इसके लिए कपड़े नहीं लाता तो मुझे बिना कपड़ों के घूमना पड़ता। अब जा और जाकर देख उस पगली को, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे लाए हुए कपड़ों को काट रही हो। हाँ। कितनी सुंदर लग रही है ना? हाँ, ये तो सच में छोटी वाली परी लग रही है। क्या हुआ दादी? हाँ? मेरी आँखों को क्या हो गया? अरे बाप रे, ये क्या इतनी लाल हो गई है? हाँ सही में मेरी आंखें बंद नहीं हो रही, बहुत जल रही है दादी। अरे बेटा, इसे डॉक्टर के पास ले जा जल्दी। इसका राज यहाँ पर छुपा है। अरे मेरी आंखें बंद हो रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है। अगर इतना टाइट बांध कर रखोगी ना तो इसकी दांत भी तेरे जैसे निकल कर गिर जाएगी। मेरी माँ तो बचपन में ऐसे ही बनाती थी। इसीलिए तो वही रुकी है। थैंक यू। हाँ रहने दे, रहने दे। देख तो कपड़ा बदल दिया तो इसकी भाषा भी बदल गई है। लॉरी, मैं ना गांव में जाती हूँ, सबको बताती हूँ कि मुझे लॉरी ने नए कपड़े दिए हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा? चल जा। अरे यही क्या है, क्या कर रही है तू? तुमने नए कपड़े दिए ना दादी? हाँ? ने बोला था तुमसे आशीर्वाद ले लूं इसलिए। बेचारी, पता नहीं किस भले इंसान की बच्ची होगी, पूछने से भी नहीं बता रही है ये। बताओ बताओ इसका नाम क्या है? जयललिता। जयललिता, जयललिता, तुम जाकर छुप जाओ। बताओ बताओ इसका नाम क्या है? सुरेश। लॉरी ने मुझे सुरेश सुरेश तुम जाकर छुप जाओ। उसको बोलना मुझे भी खिलाए। बताओ बताओ इसका नाम क्या है? लॉरी ने नए कपड़े दिए मुझे। चल जा यहाँ से। ए, मुझे भी खेलना है सबके साथ। नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ए, जाओ ना। मेरे नए कपड़े देखकर तुम सबको जलन हो रही है ना? मैं अभी लॉरी को बताती हूँ, वो तुम सबको मारेगा। चल जा यहाँ से। चलो। ए, अरे कहाँ लेकर जा रही है? वो सब बच्चे मुझे मार रहे हैं, मुझे खिला नहीं रहे अपने साथ। तुम उनसे पूछो कि वो मुझे क्यों नहीं खिला रहे। ये देखो, ये मुझे अपने साथ नहीं खिला रही थी लॉरी, और ये ना इसने मुझे मारा लॉरी। क्यों मारा? ए, तो क्या खा रही है? चॉकलेट। मुझे भी देना, ये लो। लॉरी, इसने ना मुझे मारा नहीं था, सिर्फ चिल्लाई थी, लेकिन ये ना, ये इसने मुझे मारा। ये मुझे अपने साथ खिला नहीं रही थी लॉरी, इसने बोला हमारे साथ मत खेल जा यहाँ से। hey, तुम लोग इसे अपने साथ क्यों नहीं खिला रही हो? वो क्या है ना हाँ। हम लोग एक दूसरे का नाम जानने का गेम खेल रहे थे, तो फिर हाँ। उसमें तो सबको अपना नाम बताना होता है, सबको अपना अपना नाम पता है, पर इसको तो अपना नाम ही नहीं पता, तो हम इसके साथ कैसे खेलते? अच्छा, मेरा नाम ही नहीं है लॉरी। मेरा नाम क्यों नहीं है? कहाँ गया मेरा नाम? क्यों नहीं है मेरा नाम? बताओ ना मेरा नाम क्या है, बताओ ना लॉरी मेरा नाम। बोलो ना। तेरा नाम है पूर्णिमा। पूर्णिमा,
यहाँ से नहाने चली गई, मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया, तुमसे मिलना चाहता था ना। हाँ शर्माओ मत, मैं तो तुम्हें से देखने आया था। मुझे कपड़े बदलने हैं, आप जरा बाहर जाएंगे? हाँ, बदल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बदल लो। देखिए, दिखाओ ना, आप यहाँ आए क्यों हैं? अभी तक स्कूल में जो भी महिला अध्यापक आई थी सब 60 के ऊपर थी। इतने सालों के बाद स्कूल में कोई अप्सरा आई है तो मेरा भी दिल बिल्कुल इंद्र हुआ जाता है। क्या मतलब है आपका? जब तुमको ऐसे देखता हूँ ना मैं, तो मेरा दिल करता है फिर से नेकर पहनकर स्कूल जाने लगूं। दिल तो यही कर रहा है कि तुम्हारे इस हाथों से चौक पकड़कर स्लेट पर कुछ लिखना सीखूं। तुम मुझे पढ़ाओ, मैं पढ़ना सीखूं। तुम मुझे सजा दो और मैं तुम्हारे सामने मुर्गा बन जाऊं। मुझसे दूर रहिए। शर्म आ रही है क्या? कोई बात नहीं, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आ जाओ आ जाओ, एक बार अपने दांतों से मेरे इस प्यारे प्यारे गालों को काट लो। काट लो ना। मैं काटूं तेरा गला? हाँ। अरे जहाँ चाहे वहाँ काट लो, बस काट लो, कैसे भी काट लो। तो फिर मैं तुम्हारा कान भी काटूंगी। अरे तो काटो। तुम नहीं पूर्णिमा, अब मेरे पेट में 16 इंजेक्शन लगेंगे। अरे तुमने मुझे काटा है तो इंजेक्शन तुम्हें क्यों लगेगा, बोलो। मुझे पागल बोलेगा, रुक लॉरी को बताती हूँ। वो आएगा तो मेरा बाजा बजा देगा। अरे वो क्या बजाएगा? बाजा मेरी पीठ पर। अरे सबके गाल पर बजाती, वो तेरी पीठ बजाएगा। मैं बजाऊंगी। रुको 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 रुको। अरे मार दो, 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 मार दो। ये क्या, कितनी सुंदर माला है टीचर जी। तुमने मुसीबत से बचाया है, पता नहीं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। तुम सच में पूर्णिमा हो। लॉरी, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, पूरे शरीर पे मिट्टी लगी है, आओ मुझे नहला दो। देख बुढ़िया बाहर गई हुई है, वो आएगी तो तुझे नहला देगी। नहीं, मुझे अभी नहाना है। हे, मैं तुझे कैसे नहलाऊंगा? अरे बुढ़िया को आने देना। तो तुम ही नहला दो ना। चुपचाप वहां जाकर बैठ जा, जा बैठ, जा। अरे ची, हे कपड़ा पहन। अरे अपने कपड़े पहन ले। आंखें क्यों बंद कर रहे हो लॉरी? हाँ, अरे मैं पागल जो हो गया हूँ? ऐसा है क्या, तुम भी पागल हो गए हो? अरे तुम्हारी वजह से मैं पूरा का पूरा पागल हो जाऊंगा। अपने कपड़े पहन ले मेरी माँ। मुझे नहलाओगे तो ही कपड़े पहनूंगी मैं। ऐ तू वहीं रुकना, वहीं पर रुकना। मैं आ रही हूँ। रुक, वहीं रुकना। ऐ ऐ, अरे इतना हिल क्यों रही है? अरे इतना क्यों हंस रही हो, मुझे भी बताओ, मैं भी हंस लूंगी थोड़ा। दादी तुम अपने कपड़े उतारोगे तो लॉरी तुमको भी चादर पहना देगा। क्या भगवान को बुला रही हो? अरे ये कब से मुझे परेशान कर रही है? क्या किया इसने? क्या किया इसने? कपड़े उतार कर मेरे मुंह पर फेंक दिए और कहती है मुझे नहलाओ। तुम हमेशा इसके साथ रहती हो ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कम से कम ये तो सिखा सकती हो। ये क्या है बेटा, ऐसे बिना कपड़ों के नहीं रहना चाहिए, समझी? कपड़े क्यों पहनने चाहिए? लाज शर्म बचाने के लिए। शर्म क्या होती है? शर्म वो। अच्छा सर को जाना। अरे नहीं नहीं सुन। लॉरी दादी ने मुझे बता दिया शर्म क्या होती है, तुम यहाँ हो तुमको भी बता। अरे रुक जा, लड़कियों को लड़कों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए किसी को भी बिना कपड़ों के ऐसे नहीं घूमना चाहिए, समझी? लड़कियों की बातें लड़कों को नहीं बतानी चाहिए, इसलिए बिना कपड़े के नहीं रहना। बहुत अच्छे। ए, ये गलत है, गलत है, गलत है। ए, नहीं, 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 मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। अरे मेरी बारी है, रुको, रुको। लड़की की बातें लड़कों को नहीं बतानी चाहिए, इसीलिए किसी को भी बिना कपड़े के नहीं रहना चाहिए।
ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। उस भैंस को देखो, ऐसा लग रहा है कि ओली होकर के कॉलेज जा रही है। वो तो आपकी लंगी है, आपसे अच्छी तो उसमें लग रही है। लंगी कैसे पहनते हैं जानवरों से सीखो आप। मैं देखता हूँ उसे। अरे क्या कर रही हो तुम? पकड़ो उसे, कपड़े पहना रही है। अरे क्यों पहना रही हो? अरे रुको, अरे वो बिना कपड़े के जा रही है। अरे वो बिना कपड़े के चलती है? कैसे जाने दूं? वो बिना कपड़े के रहेगी तो सब हंसेंगे ना, इसीलिए चाहे आप हो, चाहे कोई भैंस हो या बकरा हो या सुअर हो या पक्षी हो या गधा हो, सबको कपड़े पहनने चाहिए। सुअर को भी? सही कह रही है क्या? आप जैसों को कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अरे मेरे कपड़े लेकर कहाँ जा रही है? चल अंदर। अरे बेटा छोड़ देना उसे, क्या पर तो? असल में इसे नहीं, पहले तुझे मारना चाहिए। जा यहाँ से। दादी को कुछ बोलोगे ना तो ट्रैफिक जाम कर देंगे। ए, चुप, सीटी क्यों बजा रही है? चल निकल यहाँ से। जाती है कि नहीं? दादी ए, कैसी, अब ये यहाँ नहीं रहेगी। अगर ये यहाँ रही तो सारे गाँव में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। इसका एड्रेस पता कर और इसे जल्द से जल्द इसके घर तक पहुँचा। बैठ जा, चल बैठ जा, बैठ, चुपचाप बैठ। लॉरी मटकी फूट गई। अरे किस्मत, इससे इसका एड्रेस पूछ। मटकी फूट गई। पूर्णिमा, क्या है तुम्हारा एड्रेस? क्या है बताओगी? ये एड्रेस क्या होता है? जंक्शन जाम हो जाएगा, यही चुपचाप एड्रेस बता। हाँ? क्या है? तुम लॉरी हो इसने मैं इज्जत देती हूँ। गुस्सा करना मुझे भी आता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, आंखें भी लाल हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, एड्रेस बता दे। बताती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी ही एक दादी है, तुम्हारा ही एक क्लीनर है? हाँ? मेरे भी बहुत सारे लोग हैं, पता है क्या? कौन है? मेरे अपने भाई। गाड़ी लाइन पर आ गई, आइए स्पीड रखो, गियर मत बदलना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मेरा एक दादा है और एक मामा भी है। तो तेरे दादा का नाम क्या है? दादा जी का। हाँ, बोल बोल बोल। दादा जी का नाम? हाँ बोल ना। हाँ, गांधी दादा, गांधी दादा, गांधी दादा। मामा का क्या नाम है बेटा? चंदा मामा। चंदा मामा। इसका मतलब टीवी भैया और रेडियो का नाम भी होगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? ए लॉरी, लॉरी यहाँ यहाँ यहाँ, मैं एड्रेस बताती हूँ। hey, ये अपना एड्रेस बता रही है, चल जल्दी से नोट कर। मैं अपने दिमाग में भर लूंगा। हाँ बोलना। मेरे पापा का नाम अकबर बादशाह। अकबर बादशाह? एक ऐसी, ये नाम मैंने कहीं तो सुना है। ये क्या सुन रहा हूँ भाई, ये तो पूरा मुस्लिम फैमिली है, फेस कर से तो पता नहीं चल रहा। अब रुके, मैं उर्दू में बात करके पूछ लेता हूँ। बहन, भैया, हम आपका कौन है? तुम्हारा बाप का नाम भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा एड्रेस बोलो। बताएंगे भैया, बोलो बहन, बोलो। अरे कुतुब मीनार के पास। भैया, कुतुब मीनार के पीछे, के पीछे। ताज महल के सामने। बहुत अच्छे, ताजमहल के सामने, चार मीनार की पहली गली इंद्रप्रस्थ में। हाँ हाँ, मिल गया। तेरी तो क्या मिल गया? अरे ये पगली पागलों जैसी बातें कर रही है, तू कैसे समझ गया? अरे ये मुस्लिम है भाई, मुझे इतनी उर्दू तो आती है, मैं यहाँ तक मैनेज कर लूंगा। चलो चलो, बाकी का उससे पूछते हैं। चलो। अरे 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 अरे, चिल्लाओ ये क्या कर रहे? आराम से आराम से आराम से, चिल्लाओ। देखिए चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाइए। ये क्या टीचर जी, मेरी बीवी नहीं है, मैं भी नमक मिर्च खाता हूँ। मेरी हेल्प करने के बदले तुम मुझे ऐसे झड़क देती हो, अच्छा नहीं लगता है मुझे, याद रखना। मजा सिर्फ अकेले थोड़ा लूंगा, तुम भी तो लोगी साथ में। अरे सुनो, अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो, अरे सुनो। चाहिए वरना चप्पल से मारूंगी मैं आपको। शर्म नहीं आती आपको? ऐसे शर्माओगी तो कैसे काम चलेगा, इसमें शर्माया नहीं जाता है। जबरदस्ती करूंगा तो मजा नहीं आएगा, कपड़े फट जाएंगे, इसलिए प्यार से मेरी बात मान जाओ।
वैसे भी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे चिल्लाओगी तो क्या होगा मेरा। अरे सुनो, अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो, देखिए आप ये सब ठीक नहीं कर रहे। अभी तक तो इंसानों की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन अब मैं जानवरों की तरह व्यवहार करूंगा, देख लो। क्या समझती हो अपने आप को? तुझे तो मैं देखिए, आपको पता है आप किसकी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं? सर अब बाहर देखिए, नरसिम्हा मुझसे प्यार करता है। नरसिम्हा के बारे में पता है ना आपको? अगर उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो आपका क्या हाल करेगा जानते हैं? अरे ये क्या कह दिया भाभी जी, रिलेशन को भूल कर मैं इमोशनल हो गया था बहन जी। इस बारे में उससे कुछ मत कहिएगा माता जी, आपके पैर पड़ता हूँ मौसी जी, चलता हूँ आंटी जी, नमस्ते चाची जी। अरे टीचर जी, अर्जेंट एक लेटर लिखना है, जल्दी से पेन पेपर लेकर आओ। लेटर लिखना है किसके लिए? अरे और किसके लिए, उस पगली के रिश्तेदारों के लिए। उसे धमकी दी तो उसने अपना एड्रेस बताया, अब उन लोगों को बुलाने के लिए आप एक जल्दी से चिट्ठी लिख दीजिए। पहले एड्रेस लिख लो वरना मैं भूल जाऊंगा। अकबर बादशाह, कुतुब मीनार के पास, चार मीनार के पीछे, ताजमहल के सामने, इंद्रप्रस्थ। हे भगवान, ये क्या एड्रेस सुनकर आप हंस क्यों रही हैं? ये किसी का एड्रेस नहीं है, इसके मुंह में जो भी आया इसने बक दिया, और आप इसकी बातें सुनकर यहाँ आ गए। क्यों रे, वो लड़की मुस्लिम है? नहीं, और तुझे उर्दू भी आती है? नहीं, मुझे उर्दू नहीं आती। तेरी तो अच्छा हुआ आप वहां से निकल लिए, नरसिम्हा देख लेता तो आपकी बैंड बजा देता। अबे मेरा बैड लक है बे, उस जम्पर बॉडी का मैं बम्पर बनना चाहता था, बीच में नरसिम्हा ने आकर मेरे बम्पर का डम्पर बना दिया। दोनों इतने हंस रहे हैं, लगता है म्यूजिक आने वाला है। उस गाने में तो मुझे डांस करना चाहिए था बे। टीचर के पास मुझे भी जाना है एक बार। जी नालायक। सिक्सर मारने के लिए बैट उठाया था, नरसिम्हा ने कैच पकड़ा। वैसे मालिक, बॉल पैर में लग जाएगा तो क्या होगा? पैर में लग जाएगा, LBW हो जाऊंगा बे। और सीधा निकल गया तो स्टंप उड़ जाएगा। तो स्टंप आपका उड़ने वाला है। अरे बाप रे, आज तो यमराज का बुलावा आ ही गया। मालिक, बुलावा फिर से आ रहा है, जरा देखो आपका हाथ कहाँ घुसा है। सांप सांप, अरे मेरा हाथ बाहर निकाल। नहीं, सांप भूखा है, आप उसके भोजन को मैं निकालूंगा तो मुझे काटेगा। सांप सांप, अरे बाप रे। We'll be right back.
उतर। लॉरी लॉरी, अगली बार कभी लॉरी नहीं छूंगी, कसम से लॉरी, गलती हो गई लॉरी। चल जा, मार डालूंगा। तेरी इस हरकत की वजह से आज कितनों की जान चली जाती, और आज के बाद अगर नजर भी आई ना तो जान से मार डालूंगा। लॉरी दिखाई नहीं दे रही है बेटा। उसे गांव से बाहर छोड़ आया हूँ, अब आज के बाद वो यहाँ पर कभी नहीं आएगी, समझी? सुन नरसिम्हा, बेटा वो जवान हो गई है लेकिन दिल उसका बच्चे का ही है। उससे एक छोटी सी गलती हो गई, इतनी सी बात के लिए उसे वहाँ छोड़कर आ गया तू। अपना घमंड छोड़कर तूने इतने दिनों तक उसका इतना ख्याल रखा, ये भूल गया है क्या तू? उसके लिए कपड़ा लाया, उसका नाम रखा, ये सब क्यों किया तूने उसके लिए? बताना बताना मुझे, क्या लगती है वो तेरी? जब उसे उस दिन वो लोग मार रहे थे तब तूने उन लोगों को मारा, आखिर तूने क्यों किया ऐसा? ऐसी पागल लड़की को इस तरह से सजा धजा कर तू उसे कहीं छोड़ आया बेटा, अब कोई उसे देखेगा तो क्या करेगा उसके साथ? अगर किसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की तो और उसकी इज्जत लूटने के बाद उसे मार दिया तो इतनी जल्दी में हो भाई? एक बात बताइए, आपने कहीं एक पागल लड़की को देखा है क्या? नहीं। वो लड़की पीले रंग के कपड़े पहनी हुई है, उसका दिमाग कुछ गड़बड़ है। नहीं देखा भाई। क्या नहीं देखा? भाई अगर वो लड़की आपको कहीं भी नजर आए तो आप उसे मेरे घर पर लेकर आइएगा, समझ गए ना? भाई मैं कहीं और देखता हूँ। नहीं भाई, काफी दिनों से देखा नहीं है। ठीक है भाई, अगर वो नजर आए तो मुझे खबर करना। ठीक है भाई। भाई नरसिम्हा भाई, हाँ? तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं बहुत सारी लड़कियों को लाया हूँ, तुम मिले ही नहीं। भाई 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 भाई, आज एक लड़की को लाया हूँ, क्या मस्त माल है। भाई एक बार देख के तो देखो, बहुत मस्त है वो। हाँ? लड़की क्या जानू आजकल दिखाई नहीं दे। आज यहाँ एक लड़की आई है, मुझे वो चाहिए। कहाँ है वो? क्यों, हम नहीं चलेंगे? अरे हट, हट। कहाँ है वो बता? अरे सुन अनुसुईया, ऊपर के कमरे में जो लड़की, उसको लेकर आ। पूर्णिमा लॉरी, मैं तुम्हारी लॉरी नहीं छूंगी।
मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं लॉरी। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो लॉरी। मुझे वहां मत भेजना लॉरी, वहां बहुत अंधेरा था। पता है मैं कितना डर गई थी, मैं कितना रोई। पता है मैं यहाँ तक चल कर आई, पैर दुख रहे लॉरी लॉरी। पता है पैर में इतना बड़ा कांटा घुस गया, यहाँ भी चोट लगी। मुझे दोबारा कभी मत छोड़ना, मुझे अपने पास रखना लॉरी। लॉरी मैं मर जाऊंगी लॉरी, मर जाऊंगी लॉरी। आ जाओ। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। अगर ऊपर वाला भी बोलेगा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। भूख लगी है। पर तुम नहीं बोलोगे तो नहीं खाऊंगी। चल आजा, मैं तुझे खिलाता हूँ। आजा। ये क्या भाई, आज बोतल पर बोतल चढ़ा रहे हो, क्या हो गया आपको है? अरे तुझे नहीं पता मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मेरी पूर्णिमा वापस आ गई है, समझा? आज मुझे पता चला कि लगाव क्या चीज है, इसी खुशी में मैं आज पी रहा हूँ। और लेकर आबे जी भर के पियो, खाओ पियो, मौज करो, पियो पियो, ओ पियो पियो। चढ़ गई है। ए भाई टाइट हो गया है, चलो भाई को उठाओ, घर छोड़ कर आते हैं। चलो, उससे डरने की क्या जरूरत है बेटा, चलो अब घर में चलते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, घर आ गया है ना, चलो आ जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, डरो मत। सीधा पकड़ के चलो, इधर 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 सुला दो, यहाँ पे पैर ऊपर रखो, पैर पकड़ो, ए भाई की हालत ठीक नहीं है, मैं यहीं रहूंगा, तुम लोग जाओ। ठीक है, ठीक है भाई, चलो भाई चलते हैं। भाई 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 छोड़ उसे, क्या कर रहा है? छोड़, बढ़िया, अंदर जा। अरे बेटा, लॉरी देखो ना, लॉरी उठो, वो मुझे मार रहा है, लॉरी उठो।
इसे तेरे पास आई है। क्या काम है? पूर्णिमा के बारे में गलत बात बोलता है। मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरी जुबान काट दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। पूर्णिमा के बारे में गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जो मेरी पूर्णिमा के बारे में गलत बोलेगा, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। रुक कमीने, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ मुझे, छोड़। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में बोलने की? हर रोज बोलूंगा। कल तक तू मेरी दुकान पर ब्रोकर की तरह काम करता था, आज तू उस लड़की का ब्रोकर बन गया। तू है तेरे पास। आज तो तू गया, आज तेरा सर मैं घर से अलग करके माँ की चरणों में बलि चढ़ाऊंगा, काट डालूंगा। रुक जा नरसिम्हा। उसने पूर्णिमा के बारे में क्या बोला पता है? वो जरूर बोलेगा ऐसा, वो ऐसी ही बात करेगा इसके बारे में। ऐ बुढ़िया, क्या मारेगा मुझे? हाँ, मुझे मारेगा। शराबी कहीं का। इस बच्ची की आज जिंदगी बर्बाद होने वाली थी और तू शराब पीकर पड़ा हुआ था। तू इसे बचा सकता था क्या? तू जैसे शराबियों की वजह से ही पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तूने कभी ऐसा सोचा था क्या कि तेरे साथ रहने वाला तेरा दोस्त ऐसा कुछ करेगा? आज तेरी इस शराब की वजह से इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी, पर तुझे तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। ले, हो जाने दे इसकी जिंदगी बर्बाद। आज तक तो तू इसे पागल पागल कहता था, पर आज के बाद दुनिया वाले कहेंगे कि ये गांव के हर मर्द के साथ सोई है और तू कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तू चाहता है कि लोगों का मुंह बंद हो जाए तो तुझे आज इसके गले में मंगलसूत्र पहनाना होगा। अगर इसके गले में मंगलसूत्र होता तो कोई इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस लड़की के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सके। अगर इन सब का मुंह बंद करना चाहता है तो बांध दे इसके गले में मंगलसूत्र। हाँ,
मेरी बीवी है, मेरी घर वाली है ये। आज के बाद किसी ने भी इसके बारे में कुछ गलत कहने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जो इसकी तरफ गंदी नजर डालेगा मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। पूर्णिमा मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। हाँ मम्मी डैडी कहकर हमेशा हमारे पीछे पीछे घूमती रहती थी वो। पता नहीं भगवान ने क्यों उसे हमसे छीन लिया। क्या ही ये सब? वो पुराना नरसिम्हा अब मर चुका है चाचा, जो गलत लोगों का साथ देता था, जिसकी वजह से दारू पीकर हजारों लोगों की जान चली जाती थी। वो नरसिम्हा मर चुका है। अब जिस नरसिम्हा को आप देख रहे हैं वो आज पैदा हुआ है। कोई बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होता है, लेकिन ये नरसिम्हा पूर्णिमा का पति बनकर पैदा हुआ है। पैदा होते ही भगवान लिख देते हैं कि किस लड़की का पति कौन बनेगा। ऐसा नहीं होता तो इस पगली को नरसिम्हा जैसा पति मिलता क्या? हाँ, ये सब तो पूर्णिमा की तकदीर है। हमेशा से दारू पीने वाले नरसिम्हा ने गांव में जाकर दारू की सारी भट्टी जला दी है। आज के बाद जो कोई दारू पिएगा वो उसे मार देगा। मुझे ऐसे क्यों तैयार कर रहे हैं दादी? आज तेरी सुहागरात है बेटी। सुहागरात क्या होती है? ये क्या मेरा सिर क्यों खुजा रही है? मेरा दिमाग नहीं है ना इसलिए। दादी बताओ ना दादी, सुहागरात क्या होती है? लॉरी आकर सब कुछ संभाल लेगा। आज सुहागरात है। ए, दादी हाँ? सब कुछ रेडी है, बस गाड़ी को रूट पे लाना बाकी है। जल्दी से मुझे 6 नींबू ला के दो। नींबू? नींबू क्यों चाहिए तुझे? क्यों का क्या मतलब, जब गाड़ी चलती है तो नींबू की जरूरत पड़ती है ना। जब गाड़ी चलती है तो आगे 2 नींबू हाँ। और पीछे के 2 नींबू मिलके 4 हुए ना। ठीक हाँ। वैसे ही हाँ। सुहागरात के बिस्तर पे भी हाँ। चारों पैरों पे 4 नींबू बांधेंगे। अरे बेवकूफ कहीं के, तुझे अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दिमाग तो है नहीं तेरे पास, तू जाकर देख कि नरसिम्हा आ रहा है या नहीं। बेवकूफ कहीं का, मेरा ट्रक बहुत इमोशनल है, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाल बनाने के लिए लक्ष्मी अपनी पोती को भेजने वाली थी, अब तक नहीं भेजा उसने। मैं आ गई दादी। हाँ? ये कौन है रे? जैसे टायर में हवा भरी हुई होती है वैसे ही फुली लोडेड लग रही है। साड़ी तो हमने पहना दी है, बाल तुझे ही बनाना है। कमरे में फूल रखे हैं, जाकर ले। ठीक है दादी। ओहो, ये तो बिल्कुल लड़कों जैसी दिख रही है। फिल्मी भूत पकड़ा होगा। फिल्मी भूत? दादी इसने शहर में कोई हिंदी फिल्म देखी थी, तब से ऐसे ही तैयार होती है। उसे चाहे कुछ भी कह लो पर बैंडेड क्वीन मत कहना। बैंडेड क्वीन बोलूंगी तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ भी हो हमें क्या करना है, पर उसे आप कहिएगा मत। बैंडेड क्वीन, इसका मतलब लड़की लोग इसके बारे में बताने में शर्मा रही है और इसीलिए ये हमको
फूल कहाँ है? नीचे पड़े हैं। बैंडिट क्वीन, बैंडिट क्वीन। तूने मेरे बचपन में मेरा रेप किया था ना? जान बचाने के लिए मैं कितना गिड़गिड़ाई पर तू नहीं माना था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम पागल हो क्या? ये क्या कर दिया है तुमने? तुम्हारा हिंदी भूत अब मेरी जान लेके ही मरेगा। सॉरी, अगली बार ऐसा मत बोलना। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। एम्बुलेंस के ऊपर जो रेड लाइट होती है उसी की तरह लग रहे हो। बहुत प्यारे लग रहे हो। वंडरफुल, नींबू भी होता तो अच्छा होता। टायर में हवा, ओके। इंजन ऑयल रेडी। डीजल ऑयल, ओ पूर्णिमा लेकर आएगी ना? भाई चेक हो गया है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, ब्रेक इंस्पेक्टर भी नहीं है। मजा उड़ा लो। चिकिदा चिकिदा चिकिदा। हे केसी, ये क्या कर रहा है? अरे तुम आ गए क्या भाई? अरे दादी, भाई आ गया है। अरे क्यों चिल्ला रहा है? अरे उठ बेटा, वो आ गया है। उठ जा, उठ जा, चल। लारी आ गया। लारी, लारी आओ। मुझे देखो, नई साड़ी, नए नए गहने, गजरा, चूड़ियाँ, तुम्हारे पास क्या है? क्या रे, आज के दिन भी इतनी देर से क्यों आया तू? जा जाकर नहा ले। ए सुन, तू जाके इसके लिए नया कपड़ा लेकर आ। क्या भाई? मुझे नींद आ रही है। ए भाई, गाड़ी साइड में जा रही है, उसे नींद भी आ रही है। तुम स्पीड बढ़ा रहे हो कि नहीं? चुप हो जा। क्या है ये सब? अच्छा, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सुन बेटा, आज तेरी और पूर्णिमा की सुहागरात है। सुहागरात इस पगली के साथ? हाँ। तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? दादी नींद आ रही है। क्या कह रही है तू? अरे ये तेरी बीवी है और तू इसका पति है तो अपनी सुहागरात नहीं मनाएगा क्या? लॉरी नींद आ रही है, चलो ना सोते हैं। देख इसे, ये एक मासूम सी बच्ची है। मैं बच्ची हूँ? चीची, मुची, लाला लाली, लॉरी लॉरी सुनाओ। इन सब चीजों के बारे में इसे कुछ भी पता नहीं है। ये तो बिल्कुल नादान बच्ची जैसी है। अगर इसके साथ में कुछ भी करूंगा तो मेरी आत्मा क्या कहेगी? शैतान बोलेगी मुझे। फालतू की बातें मत सोचो बुढ़िया, जाओ। देखा, मैंने तुमसे सुहागरात के पहले ही कहा था ना कि चार नींबू लेकर आ जाओ और उसके पलंग पर बांध देना। तू चुप कर बेवकूफ कहीं का, जान दे। समझता ही नहीं है कोई। हे भगवान, अब तू ही इन लोगों की रक्षा कर। बेटा संभल कर। अरे संभल कर बेटा, आराम से बेटा। हाँ वाह मेरी बच्ची, 28 हंडे हो गए हैं। और कितने हंडे लाऊं दादी, मेरे पैर तो गए। अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बस 13 हंडे ही और लाने बाकी हैं। उसके बाद देवी की आंखें खुल जाएंगी और तेरे पति का दिल बदल जाएगा। देख मैंने सच कहा। चल बेटा, जाकर 13 हंडे और लेकर आ। जा ना बेटी, जा जा। अरे क्यों दादी, उस पगली को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो तुम? अरे क्या बताऊं, जब मुसीबत आती है तभी तो हम भगवान के पास आते हैं। हमारे सारे कष्टों का निवारण भगवान के पास ही तो होता अरे है। अरे दादी, इतने लोगों की तकलीफ सुनने के लिए उस भगवान के पास टाइम कहाँ होता है? कभी कभी अपना भी दिमाग चलाना चाहिए। अरे देखिए, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। अब शिव की इच्छा के बिना तो चींटी भी नहीं काटती है, और वो चाहे तो सांप का काटा भी बच सकता है। अरे हर काम भगवान ही थोड़े करते हैं, कुछ काम इंसान पर भी छोड़ देने चाहिए माता जी। आखिर इस गांव में मैं किस दिन काम आऊंगा माता जी? तुझसे नहीं होने वाला है, तू जा यहाँ से। ऐसा क्यों बोल रही हो दादी, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, चाहो तो तुम ले लो। ये अचानक से तुझे क्या हो गया, ऐसे झटके क्यों मार रहा है? तो मैं ठीक था दादी, तुम्हारे सामने आते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया। मेरी चींटी, मैंने डाली थी, मैंने डाली थी। क्या कर रही है तू?
ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है, इसीलिए नरसिम्हा तुझे छूता तक नहीं। इसलिए इससे अभिषेक करवा रही हो? तुम्हारा दिमाग अभी भी पुराने जमाने में है दादी। अगर तुम्हें इसका संसार बसाना है ना दादी, तो इसे नहीं सबसे पहले उस टीचर को समझाओ। टीचर? और क्या, टीचर के साथ तुम्हारा नरसिम्हा का गुटरगू है। तेरी जुबान काट दूंगी मैं। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है दादी? इधर मंगलसूत्र बांधा है, उधर कुछ और बांधा है, खाता यहाँ है, सोता वहाँ है। मैं सच बोल रहा हूँ दादी, उस टीचर ने मुझसे खुद कहा है कि वो नरसिम्हा के साथ रहती है मेरे सामने। अगर भरोसा नहीं है तो जाकर पूछ लेना उससे। अरे बाप रे, अरे पागल हो गई है क्या? तुम गंदे दिख रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें नहला दिया। क्या ये सब? बकरे कहाँ लेकर जा रहा है? बेचने के लिए ना, उसे काटने के लिए ना, इसे भी साथ ले जा और काट दे इसे। क्या कर रही हो दादी, लॉरी पर क्यों चिल्ला रही हो? अच्छी बात नहीं है। लॉरी, तुम डरो मत। हाँ मैं हूँ ना, तुम सिगरेट पियो। हाँ ए पागल कहीं की, तेरा दिमाग खराब है ना, इसलिए ये सारे ऐसे काम कर रहा है। तेरे बदले उस टीचर के साथ चक्कर चला रहा है। मुंह बंद कर। इसके साथ अगर कुछ गलत हुआ ना तो मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। अरे तू पागल है, उस बेचारी टीचर को मेरे साथ क्यों जोड़ रही हो? सुनेगी तो क्या सोचेगी वो? मैं किसी से डरती हूँ क्या? तुम शिव हो तो वो पार्वती है। तो मैं क्या हूँ? इन दोनों के बीच की नंदी है तू। लॉरी मुझे नंदी बोल रही है। अरे तुझे ये सब किसने बताया बुढ़िया? कोई और क्यों बताएगा, खुद वो टीचर पूरे गाँव में ढिंडोरा पीट रही है कि मैं नरसिम्हा की बीवी हूँ। जाना चाहिए तो उसी से पूछ ले। मैंने तुमसे कब शादी की? क्या ये बात तुमने गांव वालों से खुद कही है? क्या ये सच है? चलो बताओ। ये सच है। तुम पढ़ी लिखी हो और 10 लोगों को पढ़ाती भी हो, इस तरह का अफवाह फैलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शारदा। आ रही हूँ जी। कौन आया है शारदा? नरसिम्हा आया है। ओ, ड्राइवर क्या? एक एक्सीडेंट के बाद मेरे पति का ये हाल हो गया। अब तक तो ये हॉस्पिटल में थे और मुझे इन्हें किसी भी तरह बचाना था, इसलिए मैं इस गांव में नौकरी कर रही हूँ। एक औरत हूँ, एक अकेली औरत, मौका मिलते ही फायदा उठाने वाले दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन दया दिखाने वाला एक इंसान भी मुश्किल से मिलता है। ऐसे लोगों से बचने के लिए मुझे नौकरी छोड़नी होगी, और अगर नौकरी छोड़ दी तो मेरे पति का हॉस्पिटल का खर्च, दवाई का खर्च कैसे निकाल पाऊंगी? इस गांव में तुमसे सब लोग डरते हैं, और उसी डर को मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मैं गलत हूँ, पर ये मेरी मजबूरी थी। बदनाम हुई लड़कियों को पुराणों में पतिव्रता कहते हैं, मगर मेरी बीवी आज के जमाने में बदनाम हुई पतिव्रता है। नरसिम्हा, भले ही वो पागल हो, लोगों को ठीक तरह से समझ नहीं पाती है, लेकिन उसे माँ बनने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। बीवी बनना तो औरत का धर्म होता है, माँ बनना तो औरत का हक होता है, और वो हक पूर्णिमा को भी मिलना चाहिए। एक बच्चे की माँ बन गई तो पूर्णिमा में बदलाव आ सकता है। रोते बच्चे को समझाना है, भूख लगे बच्चे को दूध देना है, इन सब के लिए उसे क्या करना चाहिए, इतनी समझ तो उसमें बच्चा होने के बाद आ ही जाएगी। नरसिम्हा, एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक औरत का पुनर्जन्म होता है, ये मेरी सोच है। इसलिए अब जब तुमने पूर्णिमा को पत्नी बना लिया है, तो अब उसे एक माँ भी बना दो। पानी पी लो,
अब ओहो समझ गया, मैं पानी लेकर आता हूं। ये लो पियो। अब ठीक है मैं ही पिलाता हूं। अब क्या हुआ? अरे पानी ही तो है। ठीक है पोस देता हूं। अब क्या हुआ? थूकना है? थूक दो। लॉरी लॉरी लॉरी, मेरी साड़ी खुल गई है, ठीक कर दो। कर दो ना। वाले दिन में सबकी जिंदगी बदल जाएगी। वो आएगा तो उसे पकड़कर सबसे पहले मैं मजा लूंगा। हफ्ते के आखिरी दिनों में बहुत तकलीफ होगी। क्या हो सकता है बे? एड्स हो सकता है मालिक। चुप कमीने। अरे मालिक मुझे 100 रुपए दीजिए ना। क्यों बे? सामान भर के जा रहा हूँ ना रास्ते में खर्चे के लिए। फटी हुई चड्डी पहनकर मेरे सामने आकर के चिल्लाता है, पागल हो गया है क्या बे? तेरे खर्चे के लिए 100 रुपए मैं दूंगा क्या? चल भाग गया। झिलमिल कौन है बे? आप बस एक बार हाँ कर दीजिए, आपकी सेटिंग उस लड़की से मैं एक रात में करवा दूंगा। वाह वाह मेरे गुरु, हाँ हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, उसका जो सीक्रेट है ना वो मेरे हाथ में छुपा है। बताना 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 बताना। तो फिर 100 रुपए दो ना। अब बता दे। उसके सामने जाके इतना बोलो, बैंडिट क्वीन। कहूंगा तो उसका मतलब होता है मैं तैयार हूँ, तू भी आ जा। मैं भी तैयार हूँ। बैंडिट क्वीन, बैंडिट क्वीन। तेरे मालिक ने क्या कहा था रे मुझे? कहा कि फटी हुई चड्डी पहन कर आया। अब देख उसका क्या हाल होता है। बैंडिट क्वीन, बैंडिट क्वीन, बैंडिट क्वीन, बैंडिट क्वीन, बैंडिट क्वीन। तूने मेरे बचपन में मेरा रेप किया था ना? मैं अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाई पर तू नहीं माना ठाकुर साहब, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अभी अभी भविष्य फल में पड़ा था, बहुत तकलीफ होगी, शायद यही है वो। हाँ पूर्णिमा। अरे पूर्णिमा तू माँ बनने वाली है। अरे नरसिम्हा, ए नरसिम्हा, यहाँ क्या हुआ? फिर से परेशान कर रही है? परेशान करने के लिए एक छोटा लॉरी आने वाला है। कहाँ से? ये माँ बनने वाली है। और तू बाप। गलती से मैं माँ बन गई लॉरी, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। ये लो पकड़ो। अरे जल्दी कर, चावल लाने के लिए कहा था, कहाँ चला गया था? चल, अरे चल कर ही तो आ रहा हूँ, उड़ के आऊँ क्या? अरे नरसिम्हा। हाँ चाचा। तुमने अपने अंदर के रावण को मार दिया है, आज राम कथा करवा रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी खुशहाल कर देगा। ये तो भगवान की इच्छा है। पूर्णिमा चल नीचे रख, नीचे रख। लॉरी तुम ये लो दूध। भगवान अब इसे मैं कैसे समझाऊं, इसके साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने इसे भारी चीजें उठाने से मना किया और ये क्या कर रही है, देखो इसे। ए ऐसा क्यों कर रही है तू? मैं दूध लाई हूँ लॉरी के लिए।
अपना मुंह बंद कर। लॉरी क्या कहती है इसे? तेरे पति का सोने के जैसा नाम सोने है। सोने के जैसा नाम क्यों? मैं अपने पति को सोना कहकर ही बुलाऊंगी। जो कहना है कहो, लेकिन मंदिर में कोई मस्ती नहीं। नहीं करूंगी सोना। एक जगह पर ठीक से बैठूंगी। बैठूंगी लेकिन देखा तो इसे। एक काम करूंगी मैं। क्या करोगी? मेरा पति सोना है ये मैं सबको बता दूंगी। ए, पता है मेरा पति सोना है। मेरा पति सोना है। मेरा पति सोना है। चलो बताती हूँ। हाँ, मेरा पति सोना है। हाँ हाँ सही कह रही है तू। तुझे इतनी जल्दी माँ बना दिया और मेरी शादी को तो 20 साल हो गए हैं। एक बार भी पेट बाहर नहीं आया। नहीं ना। मेरा पति सोना, मैं उससे बोलूंगी तुम्हारा भी पेट बाहर आ जाएगा। हाँ? पूर्णिमा सोना, ये सब क्या है? पूर्णिमा अगर तुम गिर जाती तो? सोना सोना ये देखो ना। तुम्हें पसंद आया क्या? ऐसा बच्चा तुम्हें चाहिए? सो जा तू, सो जा तू। अभी वो तुम्हारे पेट में ही है। सो जा तू, सो जा तू। अगर तुम ऐसे ही यहाँ वहाँ भागती रहोगी तो उसे चक्कर आ जाएगा और वो गुस्से से बाहर भी नहीं आएगा। सो जा तू। इसलिए दौड़ना कूदना वजन उठाना ये सब नहीं करना। तभी तो तुम्हारा बच्चा अच्छे से रहेगा और तुम्हें माँ कहेगा। सो जा तू। तुम उसे पप्पी भी दे सकती हो। अबे नीम के पेड़ में आम आता है क्या है? उस पगली के पेट से कोई दिमाग वाला पैदा होगा क्या बे? पागल है पागल ही पैदा होगा ना, यही तो प्रकृति है। नो नो, पागल को पागल ही पैदा होता है, ये सब अफवाह है, ऐसा सोचना भी मत। अगर पूर्णिमा छोटी बच्ची जैसी है फिर भी उसके पेट में पल रहा बच्चा स्वस्थ होगा। आज के बाद उसका अच्छे से ख्याल रखना है तुम्हें। दवा लिख कर देती हूँ, समय पर दे देना। 15 दिनों बाद फिर से स्कैनिंग करेंगे। ये लीजिए। अब धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है चलो पूर्णिमा। चलते हैं डॉक्टर जी। ठीक है माँ जी। डॉक्टर जी। हाँ? बहुत औरतें बच्चे चुराती है, संभल कर रहना। हाँ? चलो दादी चलो। सुनो 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 सुनो, बच्चे चुराने वाली मैं ही हूँ। क्या कहा? बच्चा चुराने वाली? मैंने बच्चा चुराया, दिखाओ। ये देखो। ए, क्या ये? इसे क्यों लाई? चलो लौटा देते हैं। नहीं 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 सोना, मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए, मैं ये नहीं दूंगी। पूर्णिमा पूर्णिमा। हाँ? दवा पीनी है, तुम्हें पानी लाने के लिए बोला था ना। आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रही हो पूर्णिमा? जल्दी आओ ना। अरे उसी दिन तो टीचर जी ने मुझसे कहा था। क्या कहा था? कि तुम पेट से हो। हाँ? तो तुम दौड़ना नहीं भागना नहीं, आराम से चलना। हाँ? बिल्कुल तेजी से मत चलना। इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। मैं पेट से हो ना सोना। अरे कोई बात नहीं, तेजी से आ जाओ। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा वो पानी कहाँ है? ये। क्या है ये? इतने पानी से क्या होगा? अरे रे सोना, कितने भुलक्कड़ हो। उस दिन मंदिर में क्या कहा था तुमने? अरे क्या कहा था मैंने? तुम पेट से हो पूर्णिमा, तो वजन मत उठाना, कोई भी भारी चीज मत उठाना। इसीलिए छोटी कटोरी में लेकर आई हूँ, बिल्कुल वजन नहीं है। मैं पेट से हूँ ना। और अब तुम एक गोली खाओगी। हाँ? और इस गोली को मैं तुम्हें खिलाऊंगा। चलो खा लो। अरे कुछ नहीं, नहीं होगा, छोटी सी गोली है। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो। पेट से मैं हूँ क्या? तुम्हारा भी तो पेट बाहर निकला है। अरे ये वो पेट नहीं है। मेरा भी वो पेट नहीं है। तुम्हारे पेट में एक प्यारा सा छोटा बच्चा है, बिल्कुल वैसा ही। हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। अभी तुम्हें बताता हूँ।
देखो पूर्णिमा, मैं तुम्हें एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाता हूँ। हेलो, हाँ तुम गाओ ना। मुझे देना, बच्चे की आवाज निकालना आता नहीं है? नहीं आता है। मैं बात करके बताता हूँ। अरे ये कैसे किया आपने? अभी ला कर देता हूँ। क्या है, इसे भी खाना है क्या? मैं नहीं खाऊंगी। ये खाने की चीज नहीं है। अरे ये जो तुम्हारे पेट में प्यारा सा बच्चा है ना, उससे बात करने के लिए लाया हूँ। अच्छा, बच्चे से बात करेंगे? हाँ, अभी सुनाता हूँ, अभी सुनाता हूँ। बोलो बेटा। बेटा, बच्चा बात कर रहा है। मुझे तुमको पापा का, मुझे भी बात करनी है। अरे रुको 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 रुको, अरे सुनाता हूँ ना। क्या हुआ बेटा, पेट में दर्द हो रहा है क्या? ये क्या सोना, बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, वो दर्द से रो रहा है, तुम भी सुन लो। बेटा, बच्चा, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, पेट में दर्द हो रहा है मुझे। मुझे प्यास लगी है, भूख भी लगी है। ये सब ठीक करने के लिए तुम्हें गोली खानी होगी। तुम क्यों नहीं खाती हो गोली? खा लो ना मम्मी, मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगी। बेटा तुम रो मत, मैं दवाई खाऊंगी। सोना, तुम यहाँ क्या खड़े हो? जल्दी से मुझे गोली दो। अच्छा बाबा, देता हूँ। चलो चलो चलो, बैठ जा। जल्दी दो, जल्दी दो ना। ये लो ये लो ये लो, और खा लो। ये किस लिए? ये जो है ना, पेट भरने के लिए है। इसे खाने से बच्चे का पेट भरेगा। हाँ, दे दे। अरे दे दे, ये सब एक साथ नहीं खाना है। बहुत भूख लगी होगी। एक साथ खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसे नीचे रख दो। ये लो। और ये किस लिए? ये पेट दर्द के लिए है। ऐसे क्यों कर रही हो? कड़वी है, बहुत कड़वी है, बच्चे को कैसे लगेगी? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, पेट के अंदर चीनी होता है, वो चीनी के साथ खा लेगा। हाँ, मुझे पता है, इसलिए कल मेरे पेट में चींटी घूम रही थी। सोना, वो मेरे पेट के अंदर है ना, तो उसे गर्मी लग रही होगी ना अंदर। एक काम करे। हाँ बोलो ना। थोड़ी सी तकलीफ होगी। हाँ। पर मैं फैन को खा जाऊं क्या, उसे हवा लगेगी ना। क्या वो अभी भी रो रहा होगा? बेटा मैंने सब दवाई खा ली। हाँ, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा, अब तो रोना मत। हाँ सोना, सोना उससे कहो ना नहीं रोए। उससे कहो ना सोना। अच्छा बाबा, ठीक है। सुना सुरभि मौसी, भैरवी मौसी, मेरे लाडले का मुंडन है, सब लोग आ जाना। हाँ, 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 सब आ जाएंगे। हमें सही कह रहा हूँ। अरे सर, क्या हुआ? हमारे लाडले के भी ऐसे बाल कटेंगे क्या? अरे तो उसमें क्या दिक्कत है, मैंने भी तो करवाया था और भाई ने भी करवाया था। तो फिर से अपने बाल कटवा ले। बाल तो फिर से आ जाएंगे, इसमें डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है बेटी पूर्णिमा। हम अपने बच्चे के बाल नहीं कटवाएंगे, कट गए तो कैसे वापस आएंगे? आ जाएंगे पूर्णिमा, मेरी बात सुनो। अगर हम बच्चे का बाल नहीं कटवाएंगे तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे और वो अपने बाबू को हमेशा हमेशा के लिए टकलू कर देंगे, वो श्राप दे देंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। ये हुई ना बात। देखो बच्चा, तुम्हारे बाल भी ऐसे कटेंगे लेकिन वापस आ जाएंगे, है ना सोना? अरे आ जाएंगे। संभाल कर इसके बाल निकलवाना। हाँ जी ठीक है। सोना, हमारे बच्चे के कान में भी ऐसे छेद करवाने वाले हैं क्या? हाँ, नेक्स्ट कौन है? ठीक। अरे अरे, मेरे बच्चे का चालक, चालक नहीं। रुक जाओ। नहीं, मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं होने दोगे। रुक जाओ। नहीं, पूर्णिमा। रुक जाओ। पूर्णिमा। रुक जाओ। पूर्णिमा, मेरे पास मत आओ वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। चले जाओ, चले जाओ। बेटी पूर्णिमा, बात तो सुन बेटा। नहीं सुनूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी। इसके कान में छेद करके खून देखना चाहते हो क्या? मैं नहीं देख सकती। एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं खुद को मार दूंगी। पूर्णिमा नहीं, हमारे बाबू को कोई कुछ नहीं करेगा। ए, जाओ यहाँ से, सब चले जाओ, सब जाओ यहाँ से,
चलो 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 जाओ, चलो जाओ, जाने बोला ना। तुम लोग मेरे बाबू का कान छेदना चाहते थे, उसका खून देखना चाहते थे, सबको पहाड़ से धकेल कर मार दूंगा, जान से मार दूंगा। पूर्णिमा डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, हमारे बाबू को कुछ भी नहीं होगा, बाबू तुम्हारे पास ही रहेगा। सोना, सिर्फ तुम ही अकेले मेरी बात को समझते हो, तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं छू सकता। मेरे बच्चे के कान से खून निकालने वाले थे। पूर्णिमा सुबह लो शाम को लो पटाखे लो। ये क्या दुकान लगा रखी है बे? भीगा हुआ पटाखा सुखा रहा हूँ मालिक। अबे बेवकूफ, भीग गया बोल रहा है, वहाँ काम छोड़कर यहाँ सुखा रहा है, हटाइए सब। ये सारी लड़कियाँ तो फुलझड़ी लग रही है बे। सोच रहा हूँ इस दीपावली में फुलझड़ी के बजाय इनको ही जला लूं। ये कैसी हरकत है मालिक आपकी? अबे इसे हरकत नहीं बरकत बोलते हैं बे। तू मुंह बंद कर, बीड़ी निकाल, बीड़ी निकाल, बीड़ी निकाल, बीड़ी निकाल, बीड़ी निकाल, 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 ला दे। मैं मुंह में सिर्फ बीड़ी रखा तो इतनी हैरान हो रही है, पीने की स्टाइल देखेंगे तो कसम से मैं। अबे अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। हे भगवान, अबे उस दूसरी लड़की को देख, दीपावली के बॉम्ब की तरह लाल लाल दिख रही है। किस गांव की है? शिव काशी की। एक बार मुझसे मिल जाए तो सारी रात शिवरात्रि हो जाएगी। अरे वो ऐसे क्यों कर रही है बे? लगता है मेरी स्टाइल पे मर मिटी है। अबे लगता है सब लड़कियां मुझसे पटने वाली हैं, मजा आ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक पूर्णिमा दूर हट जा, कपड़े चल जाएंगे। अरे तुझे ही कह रही हूँ दूर हट, अकेले पटाखे चला रही है, इसने भाव खा लिया। सुन बाबू, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरे पापा लारी भर के पटाखे लाएंगे, फिर हम दोनों फोड़ेंगे। हाँ चल हट। दादी माँ, क्या हुआ है? पूर्णिमा कहाँ गई? वो बाहर गई है। नरसिम्हा भाई ने दीपावली का पटाखा भेजा है, आज करके पूर्णिमा की नजर नहीं लगनी चाहिए। हाँ सही कहा तूने, कबाट में जाकर छुपा दे, जब तक उसे नहीं दूंगी तब तक मेरी जान खा लेगी वो, ठीक से बंद कर देना। अच्छा ठीक है, सुबह तक आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, जा। अरे देखा बाबू, देखा ना, तेरा पगला मामा, मेरी पगली दादी, दोनों ने हमसे पटाखे छुपा कर रखे है, पर मुझे पता है कहाँ पर छुपाए है, हम जाकर ले लेंगे। कितने पटाखे, देखा तुमने बाबू? अरे बाबू रो मत बाबू, यहाँ कोई नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा हम इनको जलाएंगे। हाँ चुप हो जा, चुप हो जा बाबू। अरे पटाखे मिल गए ना, फिर क्यों रो रहा है, चुप हो जा। देख तो कितने सारे पटाखे हैं, और ये सिर्फ हम दोनों के लिए है। ये देख ये फुलझड़ी है, इसे हम बॉम्ब को जलाएंगे तो ढोंग करके आवाज आएगी, तो डरना मत। हाँ ये देख ये छोटा बम है, इसको चलाएंगे ना तो पट 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 आवाज आएगी, मजा आएगा ना। ये ले पकड़ ले पकड़ ले। अरे ये देख वो कमला दीदी यही जला रही थी, कितना सुंदर लग रहा था, अब ना हम भी उसे जलाएंगे, फिर हम उन्हें जाकर बताएंगे कि हमने भी अनार जलाया। रुक जा अभी इसे जलाती हूँ। ये क्या बाबू, ये तो फुसकी निकला, फू करके बुझ गया। रह? ये देखो इसको जलाएंगे। Go!
बेटी पूर्णिमा संभाल कर ले जाओ। डॉक्टर जी आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को बचा लो। मत कीजिए, हम सब देख लेंगे, आप लोग यहीं पर रुकिए। नर्स जल्दी से आईवी फ्लूइड तैयार करो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहिबा, शायद मेंटल शॉक लगा है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जनार्दन राव को बुला रही हूँ। नथिंग टू वरी, शी विल बी ऑल राइट। पूर्णिमा अपने बेटे को देख कैसे रो रहा है। ओह, ये बात है। अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है? उसे अटैक आ रहे थे तो मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया और तुरंत आपको कॉल किया। डॉक्टर साहब, वो मेरी पूर्णिमा। नरसिम्हा, पैसों की चिंता मत कीजिए, मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब को चेक करने दो, तुम लोग बाहर वेट करो। हाँ। ये लड़की तो डॉक्टर यही लड़की है क्या पेशेंट? हाँ डॉक्टर। अभी जो बाहर गया वो कौन है? इसका पति है और इसका एक बच्चा भी है। बच्चा? हाँ, उस बुढ़िया के हाथ में जो बच्चा है वो इसी का है। हाँ, ऐसा क्या? There is nothing serious about this patient. हाँ। एक कॉल कर सकता हूँ क्या? श्योर। हाँ। डॉक्टर साहब, नरसिम्हा सीरियस बात नहीं है, डॉक्टर का हाथ बहुत अच्छा है। हाँ। तुम्हारी पूर्णिमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। देखा तूने, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तू बेमतलब का खुद भी डरा था और मुझे भी डरा रहा था। इसे देख, बेचारा सुबह से भूख के मारे कितना रो रहा है। जरा शक्ल देख इसकी, जा दूध लेकर। हाँ, अभी लेकर आता हूँ दादी। ए, लॉरी में थैली के अंदर रखा है। आई एम डॉक्टर जनार्दन फ्रॉम हैदराबाद। बोलिए सर, मैं होम मिनिस्टर का पीए बोल रहा हूँ सर। होम मिनिस्टर दिल्ली में है सर, वो बात नहीं कर सकते। प्लीज कनेक्ट मी टू द होम मिनिस्टर, अर्जेंट प्लीज। हाँ डॉक्टर शांता। सर, उस पेशेंट की स्कैनिंग करनी है, वो इक्विपमेंट आपके यहाँ नहीं है ना, तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए, इसे शिफ्ट करना होगा। ओके सर। हाँ, हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर जनार्दन राव, तुम्हारी बेटी श्रुति जिंदा है यार। व्हाट? श्रुति? यस, शी इज अलाइव। लेकिन वो तो अग्निकांड में। यही सोचकर हम लोगों ने गलती की है यार, वो जिंदा है और वो इस वक्त मेरी पेशेंट है, मेरे ऑब्जर्वेशन में है। थैंक यू, थैंक यू। मैं तुरंत बाहर आऊ, तुरंत आ रहा हूँ। वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा! क्या हुआ जी? अपनी बेटी जिंदा है। हाँ, आप सच कह रहे हैं? हाँ, वो अभी डॉक्टर जनार्दन के पास है, हमें तुरंत वहाँ के लिए निकलना होगा। ठीक है जी, ठीक है। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। सर, मेरी श्रुति जिंदा है सर, हैदराबाद में। सच में सर? तुम तुरंत फ्लाइट अरेंज करो। जी सर, जल्दी। ओके सर। अरविंद को फोन करके बोल दो। पूर्णिमा, अरे बेटा, बेटा सुनो तो। अरे नरसिम्हा। क्या हुआ दादी? हमारी पूर्णिमा को किसी बड़े अस्पताल लेकर जा रहे हैं ये। क्या कहा? क्यों दादी, किस लिए? मुझे नहीं पता, जाकर डॉक्टर से पूछ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा। हाँ? वो पूर्णिमा को कहाँ लेकर गए? बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम लोग वहाँ जाओ। वेलकम वेलकम, आइए साहब।
क्यों डॉक्टर, इतनी देर से आओगे तो कैसे चलेगा? फ्लाइट डिले थी, फिर भी सही टाइम पर आया हूँ। आओ। एक मिनट, एक मिनट, वाइस प्रेसिडेंट जी आ रहे हैं, रिसीव करना है। चाहती थी उस आईएएस ऑफिसर से शादी कर ही ली। हाँ, उसने अपने मम्मी डैडी को भी मना लिया, इसलिए हम श्रुति को बधाई देते हैं। श्रुति कम फास्ट। हाँ हाँ आ रही हूँ, वन मिनट प्लीज। अरे जल्दी आओ ना। आ रही हूँ ना। खा जाओगे क्या? लगता है एक बार में खा जाऊं। नहीं बीवी को चॉकलेट समझ रखा है क्या? हमारी फर्स्ट नाइट के लिए अभी बहुत टाइम है, पहले मंदिर जाना है, चलो। क्या? अरे श्रुति मेरी बात सुनो। श्रुति बेटी, श्रुति इस वक्त कहाँ जा रही हो बेटा? प्लीज मम्मी, मंदिर जाते वक्त नहीं टोकते। भगवान से मैं जाकर कहूँगी हमारा प्यार लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रहे, बस इतना सा रिमाइंडर देकर आ जाएंगे। ए, क्यों चिल्लाया? टिंग टोंग। शादी के बाद तुम्हारी बीवी तुमसे पहली बार कुछ मांग रही है। गेट मी वन आइसक्रीम प्लीज। ठीक है, ओनली वन। ओके। 50-50। क्यों? ए, अरविंद, 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 वेट 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 वेट। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाना। ओके। अरविंद, सुन रहे हो ना? आता हूँ। ओनली स्ट्रॉबेरी। हाँ हाँ। अरविंद, अरविंद। ओके। पूर्णिमा, श्रुति, डॉक्टर अंकल, श्रुति, अंकल, what a horrible accident it was, वो पेट्रोल टैंकर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई, oh my god, अंकल, अरविंद, how is अरविंद अंकल? Don't worry baby, he's all right. वो कहाँ है अंकल? Where is he? आ ही रहा होगा बेटा, he must be on the way. Major road accident on the Delhi-Haryana highway yesterday. An oil tanker filled with inflammable material rammed into an ice cream parlor, causing heavy casualty. 10 people, including women and children, are feared charred to death. None of the dead could be identified. The dead included Srimati Shruti, daughter of Union Home Minister. Nahi! अरे साहब, साहब मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरी बात समझिए साहब, बहुत जरूरी काम है साहब। हमें यहाँ रोका हुआ है, मुझे नहीं तो कम से कम इसे तो जाने दो बेटा, बच्चा भूख से मर जाएगा, इसकी माँ अंदर है। आप अंदर नहीं आ सकती हैं, पीछे हो जाइए, पीछे। इस बच्चे की माँ की तबीयत खराब है, हम एक बार देखकर उसे वापस आ जाएंगे। साहब हमें जाने दीजिए, हम आ जाएंगे। हम लोग ड्यूटी पर हैं, होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। आप खुद ही आगे साहब आ गए, पीछे हटिए, पीछे 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 हटिए, हटिए, हट जाइए। खाली करो, खाली करो। हेलो डॉक्टर, आइए आइए, आओ आओ, आ जाओ जनार्दन। श्रुति, शी इज ऑल राइट, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगा, इससे ज्यादा पूछताछ मत करो, बाद में सब बताऊंगा। श्रुति, मम्मी, बेटा श्रुति, कैसी है तुम? बेटा, I'm all right, मम्मी, I'm all right, डैडी, डैडी,
Daddy, I missed you so much, Daddy. I missed you so much. Arvind, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? No, I'm all right. My God, इतना बड़ा एक्सीडेंट और हम दोनों बच गए. We are both very lucky. साहब आप समझ के नहीं रहे, ये बच्चा सुबह से रो रहा है, कुछ भी नहीं खाया इसने. कार आ रही है पीछे. अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी यहाँ अंदर है डॉक्टर साहब, हमें उससे मिलना है, लेकिन ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं. देखिए डॉक्टर साहब, ये बच्चा दूध के लिए कैसे रो रहा है. सर अब आप ही कुछ कीजिए, समता हॉस्पिटल से डॉक्टर शांति जी ने हमें भेजा है. डॉक्टर साहब आप कुछ समझ के नहीं रहे? डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? तुम लोगों के समझ में कुछ नहीं आ रहा? कैसा इंसाफ है, हम तब से यहाँ खड़े होकर तुम लोगों से विनती कर रहे हैं, बेटी से मिलने अगर कोई बड़ा मंत्री आया हुआ है तो हम क्या करें? हम लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? क्या सिर्फ वही इंसान है? तुम्हें हम इंसान नजर नहीं आते क्या? उस मंत्री जी के ऊपर बॉम्ब डालने के लिए या उसे मारने के लिए हम कोई गुंडे या आतंकवादी नहीं है. मेरा नाम नरसिम्हा है, मैं AP 7474 लॉरी का ड्राइवर हूँ. चाहे तो आप मेरा लाइसेंस देख लीजिए. इसकी माँ का दिमागी हालत ठीक नहीं है, अगर वो इसे नहीं देखेगी तो मर जाएगी. मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग हमें एक बार अंदर जाने दीजिए. वहाँ देखो, वहाँ जो पुलिस से झगड़ा कर रहा है ना, वो ही है नरसिम्हा. उसके हाथ में जो बच्चा है वो उसका और श्रुति का है. अरे ये क्या पागलपन है, मुझे अंदर जाना है. हाँ जी सर, उसे अंदर लेके आओ. यस सर. डॉक्टर साहब, आपको और आपके हॉस्पिटल को बहुत बहुत प्रणाम. आपका ये हॉस्पिटल पैसों वालों के लिए है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है. अरे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, और आप लोगों को थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है? पुलिस वालों से धक्का मरवा रहे. मुझे आपके इस हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं, मैं पूर्णिमा को कहीं और लेकर जाऊंगा. नरसिम्हा, फीस भरनी है ना, मैं भर के ही जाऊंगा. अगर मैं आपका फीस नहीं भर पाया तो इसका पाप भी मेरी पूर्णिमा को लगेगा. नरसिम्हा रुको, पूर्णिमा के बारे में तुमसे जरूरी बात करनी है. क्या हुआ मेरी पूर्णिमा को? कोई खतरा तो नहीं है ना? बताइए ना डॉक्टर साहब. पूर्णिमा को कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है. ये है सेंट्रल होम मिनिस्टर, श्रुति के पिता है. अरे वो ही पूर्णिमा के पिताजी. पूर्णिमा के पिताजी, नमस्ते जी. पहली बार पूर्णिमा को देखते ही पता चल गया था कि ये जरूर कोई बड़े घर की है. ए बाबू, ये तेरे दादाजी है. प्रणाम करो बेटा, प्रणाम करो दादाजी को. पैर छुओ दादाजी के, पैर छूकर आशीर्वाद लो बेटा. शट अप यू रास्कल, तुम कैसे इंसान हो? सर ये आप क्या कह रहे हैं? शादी करने के लिए इस पूरी दुनिया में तुम्हें मेरी बेटी ही मिली थी. कम से कम एक बार इतना तो सोच लिया होता. वो बेचारी तो पागल थी, उसका फायदा उठाकर तुमने बच्चा पैदा कर लिया. इडियट. सर आप गलत सोच रहे हैं. मैं सर गलत मुझे पता नहीं था. सर अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम रुक जाओ, कंट्रोल कैसे कैसे कंट्रोल करो? एक तरफ खूबसूरत पढ़ी लिखी हुई मेरी बेटी और ये एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर. सर एक ट्रक ड्राइवर भी इंसान ही होता है सर. असल में बात क्या है आपको पता है? उसका दिमाग खराब हो गया था, वो होश में नहीं थी. थोड़ा सा खाना देकर 10 लोग उसके कपड़े उतार रहे थे, और तुम्हारी उसी बेटी की इज्जत उन लोगों से इस ट्रक ड्राइवर ने बचाया. बच्चे को उठाने वाली चोरनी बोलकर लोग उसे बांध कर मार रहे थे, और उन जालिमों से बचा कर लाया था मैं, और अपने घर में पनाह दिया था इसी ट्रक ड्राइवर ने. लोगों ने तरह तरह के इल्जाम लगाए उस पर, कहा कि ये बच्चलन है, ये एक बाजारू औरत है, और उस वक्त भी मैंने ही उनको जवाब दिया. मैंने कहा आपकी बेटी मासूम है, और उन लोगों से बचाने के लिए शादी कर लिया इस ट्रक ड्राइवर ने. आप बोलते हो ट्रक ड्राइवर. शट अप, वो एक इज्जतदार घर की लड़की है, हद में रह के बात करो. इसे क्या पता इज्जत क्या होती है? ए मिस्टर, श्रुति से ना तुम मिल सकते हो ना उससे बात कर सकते हो. इस बच्चे को लो, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं. क्या कर लेगा तू? बता क्या कर लेगा मेरा, और हमारे बीच बोलने वाला तू है कौन? ए बेवकूफ, ये मेरी बेटी का हस्बैंड है. वो जब तुमसे मिली थी ना, उससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी. हाँ नरसिम्हा, ये सच कह रहे हैं. शादी के दूसरे दिन ही श्रुति, वही तुम्हारी पूर्णिमा, एक एक्सीडेंट में फंस गई थी. हम सब ने सोचा कि वो मर गई है, मगर वो याददाश्त खोकर तुमसे मिली. अब समझ में आ गया ना, तुमसे मिलने से पहले उसकी शादी इससे हो चुकी थी. लेकिन उसके बाद वो मेरे बच्चे की माँ बनी सर. फिर मेरे बच्चे की माँ बनने के बाद आपका रिश्ता कहाँ टिका है? पति की आवाज से ज्यादा वो अपने बच्चे की आवाज पहचानती है सर, और मेरे बच्चे को भी माँ चाहिए सर. यह अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मेरे बच्चे को माँ से मिला दीजिए. इसे अपनी माँ से मिला दीजिए. माँ,
इस बच्चे का साया भी श्रुति पर नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए तुम? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? लाख, दो लाख? बताओ कितना पैसा तुम्हें चाहिए, बताओ। पैसों के बल पर आप लोग कुछ भी खरीद सकते हो साहब, मगर हम बिकने वालों में से नहीं है। एक बच्चे को माँ से मिलाने के लिए तुम लोग कीमत लगाते हो? पैसा देंगे बोलते हो, पैसा दोगे? अरे इस बच्चे का पिछवाड़ा साफ करने के भी काम नहीं आएगा तुम्हारा पैसा। अगर ये बात पूर्णिमा को पता चल गई तो वो तुम लोगों के मुंह पर थूक कर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। श्रुति को ये सारी बातें याद नहीं है, उसकी दूसरी शादी हुई है, उसका कोई बच्चा भी है, वो ये सब कुछ भूल चुकी है। झूठ बोल रहे हो, झूठे हो तुम लोग, बिल्कुल झूठे। सर, अपने बच्चे को कोई माँ भूल सकती है क्या? सर, वो इसे अपनी जान से ज्यादा चाहती है। आपको पता है साहब, साहब इस बच्चे का कान छेदते समय वो इतनी डर गई थी कि वो अपने गले को काटने के लिए तैयार हो गई थी। वो अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? मुझे हमेशा सोना सोना कहकर मेरे पीछे घूमती थी, और आप लोग कह रहे हैं कि मेरी पूर्णिमा मुझे भूल गई है। मुझे उससे एक बार मिलना है, ले चलिए मुझे। मुझे पूर्णिमा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसके पास जाके कोई फायदा नहीं होगा, बास्टर्ड। क्या बोला? तू पूर्णिमा का बाप है इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं। क्या कहा तेरी तो मैं? हाथ लगा कर तो देख, जंक्शन जाम हो जाएगा। प्यार से बात कर रहा हूं तो तुम लोग क्या समझ रहे हो? अगर अपनी पर आ गया तो एक एक का सर काट कर मैं अपनी पूर्णिमा के पास जाऊंगा, खबरदार। सिक्योरिटी सर, वो इस हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं नजर आना चाहिए, बाहर फेंक दो इसे। नहीं हुआ ना, मैं जानता हूं तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम ऐसे क्यों देख रही हो पूर्णिमा? खून देखकर डर गई क्या? ये तो तुम्हारे पापा ने। अच्छा ये सब जाने दो पूर्णिमा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं पूर्णिमा। ये तुम्हारी माँ है। नमस्ते माँ जी। ये बच्चा आपका नाती है, आपकी पूर्णिमा का अपना बेटा है ये माँ जी। अरे तू रो क्यों रहा है बाबू? अपनी माँ को देख, देख बेटा, देख अपनी माँ को। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो पूर्णिमा? देखो ये हमारा बच्चा है, हमारा बाबू है ये। कौन हो तुम? मम्मी ये कौन है? पूर्णिमा मैं हूं तुम्हारा लॉरी, तुम्हारा सोना पूर्णिमा।
तुम्हें लग रहा है मैं तुम पर चिल्लाऊंगा, इसीलिए तुम ये नाटक कर रही हो ना पूर्णिमा? मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम पूर्णिमा नहीं है, मैं श्रुति हूँ। मतलब वो लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? हे, उस दिन जब बच्चे तुम्हारे साथ खेल नहीं रहे थे, तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे थे, तो मैंने तुम्हें नाम दिया था। हाँ, मैंने तुम्हारा नाम दिया था, याद है तुम्हें? हाँ, पूर्णिमा नाम रखा था मैंने। और वो बुढ़िया तुम्हें याद है जिसे तुम दादी कहती थी? उसके साथ तुम मस्ती करती थी। क्या तुम्हें अपनी दादी भी याद नहीं है? कुछ याद आया क्या? हाँ? अरे ऐसे घूर कर क्या देख रही हो तुम? कुछ तो बोलो पूर्णिमा। माजी, 30 साल तक मैं जानवरों के जैसा जी रहा था, ऐसे जानवर को इसने इंसान बना दिया। अगर इसे कुछ याद नहीं आया तो मैं फिर जानवर बन जाऊंगा। ए पूर्णिमा, अगर तुम्हें सारी बातें याद नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें अपना बच्चा भी याद नहीं है क्या? तुम्हारे खून से, तुम्हारे अपने पेट से पैदा हुआ है ये बच्चा, ये भी तुम्हें याद नहीं है? याद नहीं है, मैं क्या करूं? हे बाबू, अपनी माँ को देखो, देखो ना बेटा, अपनी माँ को बुलाओ, तुम बोलो माँ मैंने तुम्हारा ही दूध पिया है। माँ, तुम घोड़ा बनकर मुझे अपने पीठ पर घुमाती थी, माँ मुझे लोरी सुनाकर सुलाती थी, मेरी छोटी सी तकलीफ से तुम बहुत परेशान हो जाती थी माँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? ये पूछ अपनी माँ से बेटा, पूछ अपनी माँ से। हे भगवान, एक मिनट के लिए इस बच्चे को जुबान दे दे, नहीं तो एक बच्चे को माँ से अलग करने का पाप लगेगा तुम्हें भगवान। हे पूर्णिमा, अरे कुछ बोलो, बात करो तुम, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो तुम्हारा बच्चा आजाद हो जाएगा पूर्णिमा, तुम्हें बोलना होगा पूर्णिमा, मैं पागल हो जाऊंगा पूर्णिमा, बात करो पूर्णिमा, कुछ तो बोलो पूर्णिमा, पूर्णिमा। दादी, वो कौन है दादी? मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, मेरे पैर में कांच लगने से पहले उसने अपना हाथ रख दिया। कौन है वो दादी, कौन है वो? अब हाँ, कोई मेंटल पेशेंट है बेटा, उससे हमें क्या लेना देना? अब समय हो गया है, अरे हमारे फ्लाइट का समय हो गया, ठीक है चलो तैयार हो जाओ। हम दिल्ली में नहीं है, ये हैदराबाद है बेटी। क्या दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ तो मैं इतनी दूर कैसे आ गई? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पर जरूर कुछ हुआ है। You're hiding something from me. श्रुति, मेरी बात सुनो। No, डॉक्टर अंकल, अंकल आप तो सच बताइए ना, आपने भी मुझे पूर्णिमा कहकर पुकारा था, वो भी मुझे पूर्णिमा बुला रहा था, कौन है ये पूर्णिमा? बताइए ना अंकल, प्लीज सच बताइए, बताइए ना अंकल, बताइए ना अंकल, प्लीज, वरना मैं पागल हो जाऊंगी अंकल। कूल डाउन बेबी, कूल डाउन, कूल डाउन। ऑयल टैंकर एक्सीडेंट के बाद हम सब ने सोचा कि तुम डॉक्टर मर चुकी हो। स्टॉप इट डैडी, प्लीज प्लीज उन्हें बताने दीजिए, बताइए अंकल। शी मस्ट नो द फैक्ट, उस एक्सीडेंट में तुम अपनी याददाश्त खो चुकी थी और उस समय तुम लॉरी ड्राइवर नरसिम्हा के पास चली गई, उसके बाद उससे तुम्हारी शादी हुई और तुम उसके बच्चे की मां बनी। मेरी फिर शादी हुई और एक बच्चा भी हुआ, नहीं ऐसा किसी औरत के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो। इस बात को मैं पल पल याद करके मरूं, उससे अच्छा है कि मैं एक बार में मर जाऊं। Yes, I have to die. श्रुति, श्रुति रुको, श्रुति क्या हो गया तुम्हें, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है श्रुति। बीते हुए कल को याद करके रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला श्रुति।
पूर्णिमा जिंदा है। एक ही जन्म में मैंने दो बार जन्म लिया है। ये मेरा दूसरा जन्म है। सोना पूर्णिमा सोना पूर्णिमा नहीं सोना पूर्णिमा Daddy!